नेता लोग झूठ बोलने के लिए, भाषण के लिए, विरोधियों को कोसने के लिए और वादे करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अपना दल से केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने माइक संभाल लिया और गाना गाने लगी तो सब भौचक्के हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नेता पैर छू सकता है, चरणों में लौट सकता है, गला कटवा सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, लेकिन मंच से गाना? किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने ऐसा सुर पकड़ा कि उनके सावन का महीना पवन करे शोर वाले गाने के आगे सभा का सारा शोर शांत हो गया। हर किसी ने हाथ में मोबाइल निकाल लिया और रिकॉर्डिंग करने लगा। हुआ ये कि दिन था इतवार का, शिक्षक दिवस भी था। अनुप्रिया पटेल अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर में थी। इसी दौरान लाल डिग्गी स्थित लायंस स्कूल सभागार में कजली गायिका पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव के सम्मान का समारोह रखा गया था। अनुप्रिया पटेल जब मंच पर पहुंची तो उस समय लोक गायक कजली गा रहे थे। इसी बीच पास में बैठी पद्मश्री अजिता श्रीवास्तव ने उनसे भी एक गीत सुनाने को कह दिया। अनुप्रिया पटेल ठहरी सर्वगुण संपन्न महिला, तुरंत कहा, अरे काहे नहीं गाएंगे, जो आता है सब गाएंगे, नेता गाना नहीं गा सकता क्या? फिर क्या था, किसी ने माइक दिया और अनुप्रिया पटेल ने मिलन पिक्चर का गाना सावन का महीना पवन करे शोर गाना शुरू कर दिया। गाना वायरल हो गया, समाजवादी नेताओं तक भी पहुंच गया। ऑपोजिशन में होने के बाद भी समाजवादी नेता अनुप्रिया पटेल की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। जैसे ही गाना खत्म हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इससे पहले भी पिछले लोकसभा चुनाव के समय अपने जन्मदिन पर अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं के कहने पर गाना सुनाया था। दोस्तों, इस वीडियो को अपनों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।